अब हम बात करेंगे उन महान चार अस्त्रों की जिसकी सही शक्ति जानकर आप दंग रह जाओगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो ब्रह्मास्त्र फिल्म आई है उसमें जो बताया है वो पूरा सच नहीं है। आज हम आपको अग्नि पुराण में बताया गया इन महान अस्त्रों का पूरा सच खुलकर बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रह्मास्त्र की। ब्रह्मास्त्र, इसे सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया है, उनकी ही कृपा से प्राप्त होता है। इसे सभी अस्त्रों में बहुत बड़ा अस्त्र माना जाता है। ब्रह्मास्त्र का मूल अर्थ क्या है ये किसी को मालूम नहीं, उसके लिए पूरा एक घंटा बोला जाए तो भी बात पूरी नहीं हो सकती। एक लाइन में कहूँ तो ये अस्त्र ब्रह्मा जी के कवच को भी भेद सकता है। इतनी बड़ी शक्ति होने के कारण इससे चलने से भयानक तबाही मचती है, पूरा पर्यावरण नष्ट हो सकता है, जीवन या उससे जुड़ी कोई स्रोत्र का बचना मुश्किल है। इस अस्त्र में इतनी शक्ति है कि पूरी धरती का विनाश हो सकता है। ये अस्त्र महर्षि विश्वामित्र, भगवान श्री राम, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा के पास था। इसी के प्रभाव से बारिश बंद हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। बहुत दूर रहने पर भी मनुष्य और प्राणी की शक्ति समाप्त हो जाती थी, इसीलिए शास्त्रों में इस अस्त्र का उपयोग तब करने को कहा गया है जब कोई उपाय न बचे। पुराणों में जिक्र है कि यह अस्त्र पूरी शक्ति से चलता है तो 10,000 सूरज की गर्मी के बराबर आग निकलती है, भयानक धुआं निकलता है और जीवन समाप्त हो जाता है। इसके बाद ब्रह्म शिरास्त्र, ये अस्त्र भी ब्रह्मा जी का है, उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। इसे ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसकी शक्ति ब्रह्मास्त्र से 4 गुना होती थी और ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मा जी का एक सिर बनाया है। इसमें ब्रह्मा जी के पूरे 4 सिर बनाए गए हैं। ये अस्त्र का भार कभी खाली नहीं जा सकता और ये पृथ्वी सहित पूरे सूर्यमंडल और कई आकाशगंगा को भी समाप्त कर सकता है। इसको सिर्फ 2 ही प्रकार से रोका जा सकता है, एक इसे चलाने वाला वापिस बुला दे और स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी इसे रोक सकते हैं। यह अस्त्र महाभारत काल में परशुराम जी, अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा के पास था। नारायणास्त्र, भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु का अस्त्र माना जाता है, उनकी ही कृपा से प्राप्त होता है। उसका उपयोग जीवन में एक ही बार होता है, यदि कोई उसका उपयोग दूसरी बार कर दे तो उसका और उसकी सेना का खात्मा ये अस्त्र तुरंत कर देता है। ये अस्त्र शत्रुओं पर आसमान से इतने शस्त्र और अस्त्रों की वर्षा करता है जैसे भाला, चक्र, फरसा, गदा, तलवारें, कुल्हाड़ी, बाण, हथौड़ा वगैरह कई शस्त्रों की ये वर्षा करता है। शत्रु की सेना पर टूट पड़ता है, उसका कोई तोड़ नहीं, इसीलिए ये भी सबसे ताकतवर अस्त्रों में से एक है। इसमें किसी को भी कहीं भी खत्म करने की क्षमता है, इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे खत्म किया जा सकता है। यदि इसके सामने कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग करता है तो दुगनी तिगनी शक्ति से ये अस्त्र उस पर टूट पड़ता है और सामने वाले का विनाश कर देता है। इसे रोकने का एकमात्र तरीका है कि इसके आगे पूरी तरह से हार मान लो, सरेंडर कर दो। महाभारत के युद्ध में 16वें दिन अश्वत्थामा ने इसे चलाया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सारे हथियार डालकर सरेंडर करने को कहा था, तभी वो बच पाए थे। पाशुपतास्त्र संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र का निर्माण भगवान शिव ने किया है। इस अस्त्र में स्वयं भगवान पशुपति नाग की काल शक्ति है। इस अस्त्र की खास बात ये है कि इसे किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। माना जाता है ये अपने टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ये अस्त्र देवी महाकाली, महर्षि विश्वामित्र, श्री राम और केवल अर्जुन के पास था। चाहे टारगेट कितना ही ताकतवर क्यों न हो, ये अस्त्र चलता है तो इसके साथ कई दानव, आत्माएं, भूत, प्रेत आदि भी चलने लगते हैं और भगवान शिव के सभी रुद्रों की शक्तियां भी चलती है। इस अस्त्र को मन की गति से,
धनुष से, आंखों से, शब्दों से भी चलाया जा सकता है। संसार में इसके सामने कोई नहीं टिक पाता। इसे भी भगवान शिव और चलाने वाला शांत कर सकता है, अन्यथा ब्रह्मांड में कोई भी इसे रोक नहीं सकता। दोस्तों, इसी प्रकार हमारी महान संस्कृति में ऐसे गजब के अस्त्र शस्त्र आविष्कार किए थे, शायद कहीं ना कहीं वह आज भी हो सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। आगे मौका मिला तो हम दुनिया के महान शस्त्र के विषय में वीडियो बनाकर आपको बताएंगे, जैसे कि भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र वगैरह। शांति से वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।